कर शव। आपको बता दें कि गणपति पर गोली लगने से छात्र की मौत हुई है और परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। तो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के डगर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक छात्र की खून से लथपथ लाश बरामद हुई है। और आपको बता दें कि गणपति पर गोली लगने से ये खून निकला है। और जहीं आपको बता दें कि अमरोहा के डगर गांव की यह घटना है और परिजनों का यह कहना है कि हत्या की गई है युवक की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के डगर गांव की घटना है, जहां पर एक छात्र का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि गणपति पर गोली लगने से छात्र की मौत हुई है और परिजनों का यह आरोप है कि हत्या की गई है छात्र की। पुलिस जो है वो अभी तक गुत्थी सुलझाने में हालांकि लगी हुई है, जांच पड़ताल अपनी करी जा रही है। तो आपको बता दें कि अमरोहा से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, खून से लथपथ एक छात्र का शव बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद परवेज हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, आपसे जानना चाहेंगे कि खून से लथपथ लाश मिला है, परिजनों का हत्या करने की आशंका जता रहे हैं, पुलिस अभी तक क्या कुछ पता लगा पाई है? इसमें सर मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस जो है दोनों ही हत्या और आत्महत्या के उसका दोनों पर जांच कर रही है। एएसपी साहब का ही कहना है कि अभी इसमें हमने पोस्टमार्टम को, उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच करने के बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद परवेज आपका तमाम जानकारियों को बताने के लिए। बड़ी खबर अमरोहा के हसनपुर कोतवाली के टगर गांव से। आपको बता दें, एक छात्र का शव खून से लथपथ बरामद हुआ है और परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताई है। और इसी बीच